रिकॉर्ड एक दिन में 84 लाख टीका लगने पर पीएम मोदी बोले वेलकम इंडिया, सोमवार से वैक्सीनेशन अभियान की गति तेज। कैबिनेट विस्तार व एलजेपी न्यूज के घमासान पर अपना रुख स्पष्ट किया, पार्टी के अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने चिराग पासवान अगर शेर के बेटे हैं तो पशुपति कुमार पारस भी शेर के भाई। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएस संतोष और प्रदेश प्रभारी राधामोहन सिंह ने सोमवार को सीएम के सरकारी आवास पर कोर कमेटी के साथ की बैठक। धर्मांतरण के मामले में एटीएस का दावा, गिरोह ने मूक बधिर को बनाया शिकार, आदित्य से बना अब्दुल वीडियो कॉल पर परिजनों को धर्मांतरण के बारे में जानकारी दी। जनवरी में अयोध्या के राम जन्मभूमि भूमि थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, ट्रस्ट की वेबसाइट पर लोग मंदिर निर्माण के लिए चंदा जमा करा रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भविष्य की खुशहाली का झूठा सपना दिखाने वाली भाजपा के नेतृत्व को अब जनता समझने लगा है, अगले विधानसभा चुनाव में उसके सत्ता से बाहर होना तय। लोक जनशक्ति पार्टी के नेतृत्व में परिवर्तन के बाद सियासत तेज, एलजेपी पर कब्जे को लेकर चाचा भतीजे की लड़ाई के बीच जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह मैदान में उतरे। नारद सिंह मामले में ममता पहुंची सुप्रीम कोर्ट, आज होगी सुनवाई, सीबीआई ने टीएमसी के चार नेताओं को किया था गिरफ्तार। मंडल के रामपुर में प्राथमिक नागरिक कुर्सी कब्जाने को लेकर सत्तारूढ़ बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी है, इस मुहिम में प्रदेश और केंद्र सरकार के मंत्री भी पूरे दमखम से। आंध्र प्रदेश के जगनमोहन रेड्डी की तर्ज पर चिराग पासवान अब बिहार में सद्भावना बटोरने पर यात्रा पर निकलने लगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार मंगलवार को विपक्षी दलों के साथ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के खिलाफ लड़ाई में सोमवार का दिन भारत के लिए अहम, लगातार 4वें दिन दैनिक संक्रमण दर 5% से नीचे बनी रही। कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण के महाअभियान के पहले ही दिन से सोमवार को नया रिकॉर्ड बना, देश में वैक्सीन की करीब 84 लाख डोज लगाई गई, जो कि रविवार को 36 लाख डोज से दुगनी से भी ज्यादा। अनलॉक 3 में यात्रियों की संख्या में पिछले महीने के मुकाबले रोजाना औसतन करीब 40% का इजाफा, जून में यात्री संख्या के साथ उड़ाने भी बढ़ी। यूपी में कोरोना के लगातार घटने मामले और सभी जगह पर तेजी से सामान्य होते हालात को देखते हुए यूपी सरकार ने धार्मिक स्थलों को साप्ताहिक बंदी के दिन भी खुले रखने का फैसला लिया है। जीबी पंत अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर व अन्य स्वास्थ्यकर्मियों के 18 साल से अधिक उम्र वाले स्वजनों को मंगलवार से टीका लगना शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से मात पर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की केंद्र सरकार द्वारा बताई गई प्रक्रिया को जटिल बताते हुए कहा है कि इसे सरल करने पर विचार किया जाने पर। सीबीएसई ने कोर्ट को बताया है कि कोर्ट के सुझाव के मुताबिक मूल्यांकन नीति में चीजें शामिल कर दी गई है। बोर्ड ने कोर्ट को बताया कि 12वीं का रिजल्ट 31 जुलाई तक घोषित कर दिया जाएगा। सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने को लेकर मुहिम में सरकार अब आदिवासी बच्चों के स्कूलों को भी अपडेट करेगी। अपर पुलिस महानिदेशक एटीएस तथा कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि यूपी में मंतारण का बड़ा खेल चल रहा है। तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में अवैध पटाखा इकाई में विस्फोट हो गया, जिसमें 5 साल के बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हो गई, 1 व्यक्ति घायल हुआ। बिहार में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, गंगापटना में उतरे तो भागलपुर में चढ़ी, कोसी व गंडक खतरे के निशान से नीचे, पानी बढ़ता जा रहा है। मानसून के लंबे होते इंतजार के बीच अगले 4 दिन दिल्लीवासियों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं, 25 तक मौसम गर्म और शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग ने कहा कि कम दबाव के क्षेत्र के चलते बिहार और पूर्वी यूपी में बारिश हो सकती है कम, इस दौरान क्षेत्र में मध्यम से तेज आंधी चलने की भी संभावना। और खबरों की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, आज सुबह 11 बजे राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोरोना पर श्वेत पत्र जारी करेंगे राहुल गांधी।
आज सुबह 11 बजे राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना पर श्वेत पत्र जारी करेंगे राहुल गांधी। ग्यारह बजे राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना जा रहा है कि तमाम बड़े नेता इस बैठक में शामिल हो सकते हैं, मंथन का हिस्सा हो सकते हैं। कोरोना पर श्वेत पत्र भी जारी किया। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना पर श्वेत पत्र जारी करेंगे राहुल गांधी। आज सुबह 11 बजे राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही कोरोना पर श्वेत पत्र जारी करेंगे राहुल गांधी। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना पर श्वेत पत्र जारी करेंगे राहुल गांधी। और साथ ही साथ कांग्रेस आलाकमान की तमाम बड़े नेताओं के साथ बैठक भी होनी है, जिसको लेकर आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। पंजाब के साथ ही साथ तमाम अन्य राज्यों में जिस तरह की कांग्रेस की स्थिति है, राजनीतिक स्थिति को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ आज सुबह 11 बजे राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोरोना पर श्वेत पत्र जारी करेंगे राहुल गांधी। ग्यारह बजे राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। कांग्रेस की स्थिति को देखते हुए हर राज्य में जिस तरह की कांग्रेस की स्थिति बनी है, चाहे पंजाब की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें, पिछले चुनावी नतीजों के बाद जिस तरह से कांग्रेस नेतृत्व को लेकर भी तमाम सवाल उठाए गए हैं, साथ ही साथ कांग्रेस नेतृत्व को लेकर अभी भी कांग्रेस में सहमति पूरी तरह से बन नहीं पाई है। किसके चेहरे पर लड़े जाएंगे आगामी चुनाव, तमाम प्रदेशों के चुनाव होने हैं अगले साल, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, पंजाब, इन सभी जगहों पर चुनाव होने हैं। साथ ही साथ पिछले चुनाव में भी कांग्रेस का प्रदर्शन पश्चिम बंगाल के साथ ही साथ कई अन्य राज्यों में आशा के अनुरूप नहीं रहा है। ऐसे में राजनीतिक स्थिति को लेकर चर्चा भी की जाएगी। सुबह 11 बजे राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, जिस पर कोरोना पर श्वेत पत्र जारी करेंगे राहुल गांधी। और इसके बाद हम बात करेंगे यूपी बीजेपी में।